दिस इज मी एंड ऑल्सो दिस इज मी इन दोनों मी में फर्क है दो महीने और बारह किलो का जी हां मैंने दो महीने की अवधि में बारह किलो वेट लूज किया है विदाउट एनी सिवियर डाइटिंग विदाउट एनी एक्सट्रीम एक्सरसाइज एंड ऑल्सो विदाउट एनी सप्लीमेंट्स मैंने कोई दवाई कोई घोल टैबलेट नहीं लिया है वेट लूज करने के लिए मैंने अपना वेट लूज किया है बहुत ही नेचुरली और बहुत ही हेल्दी वे में वेट लूज के दौरान बहुत सी डेफिशिएंसीज बॉडी में आ जाती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है जिसकी वजह से स्किन में रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं ऐसा कुछ भी मैं आप लोगों के साथ नहीं होने दूंगी आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके दिमाग में एक बीज डालने आई हूं जो अगर अंकुरित हो जाता है तो वेट लॉस कहीं भी दूर नहीं आप लोगों को बहुत हेल्दी वे में कैसे अपना वेट लूज करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं ये मेरी जर्नी है जो मैंने खुद तय की है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मेरे लिए रहे हैं सो आई थॉट आई हैव टू ब्रिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू लेट्स आउट वॉट नीड्स टू बी डन ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक चैनल आशा करती हूं। आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं सबसे पहले पिछले वीडियो में इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मैं आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट नंबर टू आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बींग लेट मैंने ये सर्वे आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें आपने दिव्य रूप से पार्टिसिपेट किया और कहा दैट आई शुड टॉक अबाउट माई वेट लॉस जर्नी लेकिन इट इज रियली बैड ऑफ मी कि मैं बहुत लेट हूं दैट्स नॉट डन बेटर लेट

अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है अगर आपको कोई परेशानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर्स को एक कंसल्ट बार कंसल्ट कीजिए उसके बाद कोई भी लाइफ चेंज लेकर आइए लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ ओवर बिकॉज ऑफ हैविंग सम बैड हैबिट्स बिलीव मी आज के वीडियो कुड बी द मैजिक फॉर यू तो सबसे पहले जानते हैं कि वेट लॉस प्लानिंग फेल क्यों होती है हम इतना सब कुछ प्लान करते हैं कल से ये करेंगे परसों से ये करेंगे लेकिन दो चार दिन में धराशाही ऐसा क्यों इट इज बिकॉज आपका जो माइंड है वो बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है माइंड तो बहुत जल्दी एंथुजियास्टिकली यू नो रेडी हो जाता है कि कल से ये करेंगे कल से करेंगे लेकिन बॉडी साथ नहीं देती इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है अब वो कोऑर्डिनेशन कैसे आए देखिए आप तामसिक भोजन ना करें मैंने अपनी थ्रू आउट द वेट लॉस जर्नी मैंने बिल्कुल भी कोई ऐसी लिथार्जिक चीज़ नहीं खाई मैंने घर का खाना खाया मैंने कोई प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड नहीं खाया मैंने चॉकलेट्स खाई है फॉर श्योर मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे मैंने किया है लेकिन ये बात आप लिख के ले लीजिए कि जैसा होगा अन्न वैसा हो जाएगा मन उसकी वजह से आपको आपकी बॉडी जो है वो बहुत ढीली हो जाएगी जो हम नहीं चाहते इसीलिए प्रोसेस्ड एंड किसी भी तरह का बाहर का खाना बिल्कुल नहीं हम घर का खाना खाएंगे और बहुत हेल्थी वे में वेट लूज करेंगे तो मैं अपनी दिनचर्या को चार भागों में डिवाइड कर रही हूं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट आवर्स और हर पोर्शन में मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आप जो भी चीजें मैंने की हैं उनको चेंज कर सकते हैं उनका सब्सटीड्यूट ले सकते हैं प्रोपोर्शनेटली कम ज्यादा कर सकते हैं आपके वेट के हिसाब से लेकिन डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ बिल्कुल भी नहीं बहुत काम एंड कॉम्पोज वे में जब तक माइंड एंड बॉडी रिलैक्स नहीं होगी वेट लूज नहीं होगा मॉर्निंग आवर्स आर माय फेवरेट टाइम पीरियड आई एम अ पावर हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतनी सारी एनर्जी मेरे पास होती है दैट आई रियली फील कि मैं सब कुछ कर सकती हूं मॉर्निंग आवर्स की जो एनर्जी है प्लीज डेविएट इट फॉर कंटेप्लेसन अपने बारे में सोचिए खुद को आशीर्वाद दीजिए दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें हम दुनिया भर को आशीर्वाद देते हैं सबसे पहले खुद को आशीर्वाद दीजिए आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट आई एम गोइंग टू लूज वेट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे एंड बिलीव मी ये सब एफर्मेशन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगी द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज हैव है सबसे पहली चीज जो मेरी बॉडी में जाती है वो है तीन ग्लास वॉर्म वाटर हम नहीं कर सकते गैस में रखो पानी डालो गरम करो वेट करो डालो एंड ऑल ऑफ दो थिंग्स तो आप इलेक्ट्रिक केटल लेकर आ जाइए बहुत ही सस्ती और हैंडी इलेक्ट्रिक केटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं दस सेकेंड में पानी गर्म हो जाएगा आपको पहला ग्लास जो है उसमें नींबू और शहद लेना है एंड उसको कंज्यूम करना है ये एक नेचुरल वेट लॉस के लिए एक यू you नो know, रेमेडी है ये एक औषधि है जो बिना एक्सरसाइज के आपका जो एक्यूमिलेटेड फैट्स है उसको काटना स्टार्ट कर देती है एंड ऑल्सो तीन ग्लास पानी आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश कर देता है और आपका गट क्लीन हो जाता है गट क्लीन होने की वजह से आपका जो प्रेशर है वो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है उनको ग्रेजुअली दिखेगा लेकिन ये काम करेगा क्या मैंने ये पूरा टाइम किया जी हां मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम हनी एंड लेमन एवरी डे लिया है लेकिन कभी मिस हो गया तो सिर्फ गर्म पानी भी चलेगा एंड यू कैन बी एब्सोल्यूटली श्योर नेगेटिव किसी चीज के लिए नहीं होना कि, अरे आज नींबू नहीं है आज तो खा ही नहीं पाएंगे डोंट डू दैट नहीं है तो सिर्फ गर्म पानी पी लीजिए इक्वल इफेक्ट रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट है गर्म चीजों का सेवन ताकि बॉडी हीट खाने को गर्म करने में ना लगे गर्म चीज अंदर जाएगी तो बॉडी फटाफट प्रोसेस करके उसको आगे बढ़ा देगी दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इमीडिएटली क्लियरिंग माई गट मैं एक्सरसाइज करती हूं नाउ जो लोग पहली बार करने वाले हैं लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली शुरू के चार पांच दिन तो बिल्कुल स्टेमिना नहीं होने वाला है बिल्कुल ना एक्सरसाइज करने का मन करेगा ना कुछ आई वुड से आप थाउजेंड स्टेप्स वॉक कर लीजिए जो लोग थोड़े से ज्यादा यू नो एनर्जेटिक हैं स्टेमिना है वो लोग एक्सरसाइज करेंगे अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जुम्बा क्लासेस करनी है आपको डांस करना कुछ नहीं सिंपल जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं योगा में आप वो कर सकते हैं पीटी आपने स्कूल में सीखी थी आप पीटी कर सकते हैं दैट कैन बी डन आप सिंपल एक्सरसाइजेस बिल्कुल सिंपल मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूं जस्ट आपको एक आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं और मैं कोई बहुत ही यू नो कूदम कादी नहीं होती है हालांकि ग्रेजुअली होने लगेगी ग्रेजुअली आपको इतना स्टेमिना आ जाएगा कि आप कहेंगे यार कुछ हो ही नहीं एक्सरसाइज कुछ और करते हैं कुछ और करते हैं कुछ और करते हैं तो ये चीजें आपके अंदर आने लगेंगी ग्रेजुअली एक्सरसाइजिंग आई टू तो डू माई डेली चोर्स नहाना पूजा पाठ एक्सेट्रा उसके बाद आई यूज टू हैव माई ब्रेकफेस्ट जो कि कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है मैं पोहा लेती थी मैं मैक्रोनी लेती थी मैं सूजी लेती थी मैं आ, सूजी की मैक्रोनी होती है एंड देन इज योर नॉर्मल सूजी किसी दिन बना ली किसी दिन चने बना लिए किसी दिन आ, ब्रेड भी खाई है आ, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो स्मॉल क्वान्टिटी वन बोल ऑफ इट वफिशियंट फॉर यू इन द स्टार्टिंग कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट किंग की तरह करना चाहिए देखिए अगर आप ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं स्किप योर लंच आई वुड से देखिए दो बजे हैं इसलिए नहीं खाना है भूख लगी है इसलिए खाना है भूख लगना एक मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी आपको कहती है कि फ्यूल खत्म होने वाला है गिव मोर क्योंकि दो बजे हैं इसलिए लंच करना है दैट्स रियली नॉट ओके बिकॉज वी हैव स्टॉप लिसनिंग टू आवर बॉडी मैंने तभी लंच किया जब द बॉडी एक्चुअली आस्ट फॉर इट नॉट एनी टाइम बिफोर इसीलिए हल्का ब्रेकफास्ट वॉज द थिंग दैट वॉज डन फॉर द बॉडी ताकि बॉडी एनर्जाइज रहे एंड दो ढाई बजे के आसपास अपने आप पेट में गुड़गुड़ होती थी दैट यू नो आई नीड समथिंग लंच में आई हैड एप्सल्यूटली प्रॉपर मील दाल चावल सब्जी रायता सैलड समटाइम्स पापड़ एंड पिकल्स ऑल्सो सो ये छ चीजें वर देअर ऑन माई टेबल एंड प्लेट और ये मैंने कंज्यूम किया है जी हाँ कोई चावल वावल नहीं छोड़ना है सब कुछ खाना है जो आपकी बॉडी खाती आई है अभी तक उससे एकदम से डिसकंटिन्यू कर देंगे तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी बॉडी को समझ नहीं आएगा और हे वे में बाल झड़ेंगे स्किन परेशान हो जाएगी इसीलिए ग्रेजुअली चीजों को चेंज करना है सो आफ्टरनून आवर्स में सिर्फ लंच है कमिंग टू द इवनिंग आवर्स इवनिंग आवर्स में था कोई भी स्नैक एंड टी अब वो स्नैक का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा लेस का पैकेट खा जाएंगे और बोलेंगे जी स्नैक टाइम है ये मैंने नहीं किया आप एक छोटा सा बोल बना लीजिए उसमें जितना स्नैक आए जो स्नैक आए खाइए बिस्किट दो बिस्किट आ सकते हैं आप थोड़ा मुट्ठी भर के चिप्स ले सकते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि कॉन्शियसली देखिए हेल्दी होना चाहिए नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि क्वांटिटी हम बहुत कम ले रहे हैं तो एक कप चाय के साथ आप स्नैक ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल्सो बिफोर द टी एक फ्रूट मेरा पक्का था देखिए मैं दिन में दो फ्रूट्स लेती हूं आ, दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट एक आफ्टर द ब्रेकफेस्ट एक घंटे बाद और एक इन द इवनिंग आवर्स चाय से पहले अगर आप दिन में दो तरह के फल नहीं खा रहे हैं तो भी आपको किसी ना किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि सारे के सारे एंड मिनरल्स फ्रूट्स में ही हैं। मैं ग्रीन टी पीती हूं कोई भी वैरायटी ऑफ ग्रीन टी मुझे मिल जाए ग्रीन टी एंड स्नैक एंड उससे पहले फ्रूट आफ्टर द इवनिंग टी मैं आधे एक घंटे का ब्रेक लेती थी और उसके बाद एक घंटा एक्सरसाइज नाउ लिसन टू मी शुरू में एक्सरसाइज बहुत ही बच्चों वाले कीजिए पीटी कर लीजिए यू नो आप लेग एक्सरसाइज कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है पैरों की एक्सरसाइज हाथों की शोल्डर्स की साइड्स की ये तो बहुत आसानी से हो जाती थी लेकिन जहां परेशानी होती थी वो थी लेग एक्सरसाइज क्योंकि मेरा सारा का सारा वेट मेरे वेस्ट और मेरे थाइज में था स्टमक uh, uh, पे भी था ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड फैट लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हैवी था एंड इसीलिए लेग एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आई डिड वन आर ऑफ एक्सरसाइज विच इंक्लूडेड जंपिंग जैक्स विच इंक्लूडेड रोप Uh, skipping of rope which also included uh, bat pe late ke exercises karti thi like crunches and uh, so many other things main aapko side mein dikha rahi hongi what all exercises i did in the evening hours and exercising is a beautiful way to connect with yourself after exercising 15 minutes of yoga is a must देखिए morning hours में आप करते हैं नहीं करते हैं that's up to you. लेकिन शाम की जो exercise है उसके बाद yoga

आफ्टर द एक्सरसाइज एंड दोगा आई यूज टू टेक बाथ जी हाँ एक रेगुलैरिटी थी एक मॉर्निंग आर्स में नहाना और एक शाम को एक्सरसाइज करने के बाद नहाना इतना रेजिवनेटेड और इतना रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था दैट आई वॉज लाइक रियली बहुत सरप्राइज कितना ईजिली होता जा रहा है कोई टेंशन ही नहीं हो रही कोई परेशानी नहीं हो रही कहीं हाथ पैर कहीं कुछ दुख नहीं रहे लेकिन वेट लूज होता गया होता गया मैंने एक दिन में एक एक किलो कम किया है एट टाइम्स क्योंकि यू नो डाइट पे काफ़ी कंट्रोल था मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि जो खाने के बाद का टाइम है मैं चिप्स ढूंढती रहती थी कोल्ड ड्रिंक ढूंढती रहती थी चॉकलेट्स का तो कोई यू you नो know, कोई वो ही वे? वेट लूज करने के दौरान भी मैंने चॉकलेट्स खाई लेकिन बहुत कम प्रपोर्शन जहां पहले कैडबेरी की पूरी चॉकलेट में अकेले खा लेती थी क्रैकल, अब मैं सिर्फ दो पीस में खुश हो जाती थी देन कम्स द अमेजिंग डिनर टाइम डिनर टाइम सबसे पहले आप जितना जल्दी कर सकते हैं करिए, जितना जल्दी मतलब कि अगर आप सेवन ओ कर लें तो बहुत ही बढ़िया नहीं तो सेवन थर्टी और एट के बीच में इज द बेस्ट टाइम मैं उसी टाइम पे डिनर करती हूँ उस टाइम पे मैं लेती हूँ वन बोल ऑफ पुष्टाहार दलिया एंड वन चम्मच ऑफ देसी घी जी हाँ घी से मोटे नहीं होते घी आपका नेचुरल जो फैट एक्यूमुलेट हो रखा है उसको गलाता है तो शाम के टाइम पे दलिया स्पेशली द पुष्टाहार दलिया इट्स वेरी वेरी टेस्टी आप बना के देखिए दलिया जो आपके दिमाग में डेफिनेशन होगी ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी इट्स दैट सिंपल घी डाला भुना पानी डाला सीटी लगाई बन गया इट्स दैट सिंपल एंड इट इज वेरी टेस्टी इट इज वेरी हेल्दी इसमें अजवाइन जीरा पता नहीं क्या क्या चीजें आप पढ़ लीजिएगा इट्स अमेजिंग 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 बहुत फिलिंग है आपको लगता है कि आपका पेट कंप्लीटली भर गया और इतना लाइट है कि एक डेढ़ घंटे में ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है कंप्लीटली लाइट एंड दिस इज वेयर आई स्टॉप इसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूं कुछ भी नहीं इसके बाद अब सीधा ब्रेकफास्ट होता है रिलैक्स ऑल्सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब वेट लॉस नहीं होता जब हम रिलैक्स करते हैं तब वेट लॉस होता है इसीलिए पूरी नींद लेना अत्यंत तो आवश्यक है आप जिस भी समय सो रहे हैं आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितनी नींद जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है और उतनी नींद लेना बहुत जरूरी है तभी आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी मैंने बहुत पॉजिटिवली बहुत इंजॉय करते हुए वेट लूज किया है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई क्योंकि जो चीज़ें मैं खा रही थी वही मैंने कंटिन्यू की जस्ट मैंने उनका प्रोपोर्शन कम कर दिया मैंने एक टाइम का डिसिप्लिन मेंटेन किया कि किस टाइम पे क्या चीज़ मुझे करनी है अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो द बेस्ट टाइम इज अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप हनी एंड लेमन लेंगे उसके एक्सरसाइज करने के बाद आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं दैट्स द राइट विंडो जहां पे आप ले सकते हैं ऑल्सो खूब पानी पीजिए खूब पानी का मतलब ये नहीं है कि आपको पानी पीते रहना है। फिर आप टॉयलेट ही जाते रहेंगे लिसन टू योर बॉडी जब प्यास लगे पानी पीजिए पानी सिप सिप करके पीजिए पानी को घटाघट -गट नहीं पीते हैं तो ये था मेरा दिनचर्या टू अचीव दिस ब्यूटिफुल 58 एट के जीज ऑफ माई सेल्फ मेरा वेट 70 किलो था जहां से मैं 58 में आई एंड इट वॉज रियली रियली एम्पावरिंग मैंने पूरी की पूरी जर्नी बहुत इंजॉय करी है मुझे कोई ऐसा स्ट्रेस फील नहीं हुआ कि अरे मैं चॉकलेट नहीं खा पा रही अरे मैं वो नहीं खा पा रही बिल्कुल भी नहीं क्योंकि दिमाग में एक फोकस था कि वेट लूज हो रहा है और मुझे करते रहना है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ एक आउटलाइन शेयर कर सकूं कि मैंने अपने लिए क्या क्या किया है वेट लूज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्तार में आपसे बात करूं कि मॉर्निंग ड्रिंक्स के क्या ऑप्शन हो सकते हैं ब्रेकफास्ट के क्या ऑप्शन हो सकते हैं क्या क्या एक्सरसाइज मैंने करी वॉट ऑल वर द यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स दैट आई डेड फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग द पीरियड तो आज मैं कम्युनिटी टैब में एक पोल डालने वाली हूं जहां पर आप डेफिनेटली जाकर यू नो अपना जो भी मत है वो वहां पर लिखिए और हमें बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आई बी देर आशा करती हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही हूं आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे अपना जो एक्सेस वेट है उसको लूज कर देंगे और बहुत खूबसूरती से अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे